वेलकम टू माई चैनल। आज हम आपको क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 25 चैन बुन ली हैं। 25 चैन बुनने के बाद देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 चैन बुनेंगे, एक बल डालेंगे। और देखिए, ये 5 चैन स्किप करके यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया से जैसे 1, 2, 3 इस तरह से हमने इसी वाली चैन में 5 टाइम बुनना है। देखिए, 1, 2, 3 फिर से इसी में बुनेंगे, 1, 2, 3 तो देखिए 4 हो गई एक चैन लगा के। एक बार और बुनेंगे, सिंगल चैन में बुनेंगे, 3 बार हो गए, 2, 4, 5 हो गए। अब देखिए, एक बल लेंगे और यहाँ इसी में हम पफ स्टिच डालेंगे 3 बार का, 1, 2, 3 देखिए पफ स्टिच 3 बार का लेके एक साथ बुन देंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर फ्रेंड्स एक बल लेंगे और ये देखिए 1, 2, 3, 4 चैन स्किप कीजिए और 5 चैन स्किप करके छठी चैन में हमने फिर से इसी तरह बुनना है इस तरह से। देखिए, 1 हो गया, 2, 3, 4 5। और फिर देखिए एक बल लेंगे, 2, 4, 5 के बाद अब हमने फिर से पफ स्टिच डालना है 3 बार का। ये 1, 2, 3 और ये देखिए इस सबको एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। फिर देखिए एक बल लेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 स्किप करके छठी वाली चैन में फिर से इस तरह बुनेंगे एक दो तीन चार पांच। पांच के बाद एक बल लेंगे और इसमें पफ स्टिच डालेंगे, 1, 2, 3 तीन बार का पफ स्टिच डालेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं फर्स्ट रो को कंप्लीट करके सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए सेकंड रो बुनेंगे। सेकंड रो कैसे बुनेंगे देखिए, पहले आपने इसमें चैन बुननी है, 1, 2, 3, 4, 5 5 चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे, एक बल लेंगे और ये देखिए ये जो आपने बुना था ना, यहाँ एक छोड़ दीजिए और यहाँ पलटने के बाद यहाँ से आपने अब आपने यहाँ 5 टाइम बुनना है सिंगल चैन में इस तरह से, 1, 2, 3, 4 5। देखिए 5 टाइम बुनने के बाद
फिर आपने पफ स्टिच डालना है, यहाँ इसी में डालना है, एक दो तीन, और इन्हें एक साथ इस तरह बुनेंगे। ये देखिए, देखिए इस तरह से पफ स्टिच डाल लिया मैंने। अब देखिए फिर से फ्रेंड्स हमने, ये देखिए जो सेकंड वाला है यहाँ, इसके अंदर बुनना है फिर हमने। एक दो तीन चार दो चार पांच, और अब हम इसमें पफ स्टिच डालेंगे, यहाँ इसी में डालेंगे, एक दो तीन, फिर देखिए एक बल लेंगे और इसके इधर एक छोड़ के इस किनारे पे यहाँ हमने बुनना है, एक दो तीन चार पांच, और पांच के बाद फिर से हमने पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, तो देखिए ये आपका इस तरह बनता जाएगा, एक पफ स्टिच इस तरह, फिर इस तरह, फिर जब आप इधर से बुनेंगे तो इधर, यानी कि ये इस तरह से जिगजैग बनता जाएगा, और बनने के बाद ये बहुत प्यारा लगेगा फ्रेंड्स। तो मैं इसे पूरा कर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने, देखिए सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। बस फ्रेंड्स आपने ये फर्स्ट और सेकंड इन टू रो को रिपीट करना और आपका डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।